हेलो चैम्स दिस इज प्रतीक भोसले इंट्रोड्यूसिंग ऑल अबाउट मिस्टर ओलंपिया दोस्तों आज रात 10 बजे से आप कंटिन्यू चैनल पर रहना बिकॉज काफ़ी सारी वीडियो आने वाले सारे फ्री रीजिंग हो या फिर कोई भी इन्फॉर्मेशन हो आपको किसी भी चैनल पे मिल जाएगी बट दोस्तों आई एम मेक श्योर की मैं जो इन्फॉर्मेशन दूँ वो हिंदी में दूँ एंड सेकेंडली वो इन्फॉर्मेशन एक जेनुइन इंफॉर्मेशन हो तो चलिए डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं एंड दोस्तों आज के वीडियो का टॉपिक ये है कि कॉन्फ्रेंस में ये जो बड़े एथलीट्स थे इन्होंने अपने फिजिक का खुलासा किया है या फिर कह सकते हो इन्होंने तो अपने गोल का खुलासा किया एकदम से बिकॉज हड्डी चुपन को सबसे पहले पूछा गया कि वो इस साल बिग रैम को किस तरीके से चैलेंज कर सकते हैं तो हड्डी चुप्पन उस पर आंसर करते हैं कि जब मैं 2019 में डेब्यू कर रहा था तब से मैं अब तक इंप्रूवमेंट करके आया हूँ हर साल में फाइव टू सिक्स पाउंड मसल मास इंक्रीज करके आता है विद कंडीशन तो यही मेरा इस काल का भी प्रोटोकॉल रहने वाला है मतलब वो इंप्रूवमेंट करके आएंगे एंड ओवरऑल बड़े लगेंगे इस साल ऐसे वो खुद कहते हैं तो इसी तरीके से वो बी ग्रामी को चैलेंज देने वाले हैं सेकेंडली बी ग्रामी को पूछा गया कि वो इस साल क्या डिफरेंट करने वाले हैं तो बिग्रामी ने आंसर दिया कि एवरीथिंग इज डिफरेंट दिस ईयर एंड आई हैव ट्राइड टू कम इन बेटर देन एवर मतलब दोस्तों उनको तो पता है कि 2020 में भी वो सबसे बड़े थे स्टेज पे 2021 में भी वो सबसे बड़े स्टेज पे थे बट दोस्तों 2021 में कहीं ना कहीं आपने उनकी कंडीशन लैक करते हुए देखी होगी बिकॉज उन्होंने ओनली थ्री मंथ्स का प्रेप करता था इसे वो खुद कहते बट पर इस साल का बी ग्रामिक का माइंडसेट टोटली डिफरेंट है बिकॉज काफ़ी लंबे टाइम से वो प्रेप में चल रहे हैं एंड वो फोकस कर रहे हैं वो मेक श्योर कर रहे कि उनको कंडीशन स्टेज पे लानी है इसके लिए वो हर एक दिन मेहनत कर रहे एंड वो इसलिए कॉन्फिडेंटली कह रहे हैं कि कंडीशन मैटर्स ओवर एवरीथिंग बिकॉज उनको भी पता है कि वो साइज इजिल लाते हैं बट कंडीशन बॉडी बिल्डिंग में कितना ज़्यादा मैटर करता है काफी सारे लोग उनको क्रिटिसम भी करते हैं फिर ट्रोल भी करते हैं कि एक ऐसा ओलंपिया चैंपियन है जिसके पास कंडीशन ही लैक करता है तो डेफिनेटली ही फोकस ऑन कंडीशन दिस टाइम एंड वो कहते हैं कि मैं सबसे बेटर वर्जन लेके आने वाला हूँ आ, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूं अगर सबसे कंडीशन उन्होंने अच्छी लाई देन डेफिनेटली ही विल बी द क्लियर विनर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया ब्रांडन करी से कि इस साल आप अपना टाइटल दोबारा कैसे डिफेंड कर सकते हो तो उन्होंने आंसर दिया इस साल मैंने प्रेप में ज्यादा टाइम इन्वेस्ट किया जैसे कि अरन और के बाद वो कंटिन्यूसली प्रेप में चल रहे एंड वो कहते हैं कि इस साल मैंने मोर मसल मास पुट ऑन किया मतलब वो डायरेक्टली कंपेयर कर रहे बी ग्रामी से उनको पता है अगर बी ग्रामी के लेवल का फिजिक नहीं बना है देन डेफिनेटली उनको जजेस ज्यादा ऊपर के प्रायोरिटी में नहीं रखेंगे तो डेफिनेटली उनका कंपेरिजन डायरेक्टली बीग्रामी से होता है बिकॉज उनकी पोजिशन आती है सेकंड तो वो खुद को एक नेक्स्ट लेवल पर लेके जा रहे हैं अगर साइज की बात करूँ तो बट ठीक उन्होंने बीग्रामी

थर्टी पाउंडस तक आने वालों मतलब वो ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव तक भी आ सकते ट्वेंटी ट्वेंटी तक भी आ सकते बट ट्वेंटी ट्वेंटी के ऊपर वो आने वाले मतलब लगभग उन्होंने हंड्रेड के जी वेट ऑलमोस्ट उन्होंने बताया मतलब उनका स्टेज वेट हंड्रेड के जी या फिर कह लो हंड्रेड टू वन जीरो फाइव के जी तक उनका वेट रहने वाला है एंड दैट्स अ गुड साइन सो इस साल देखना काफी uh, मुझे तो एक्साइटेड लग रहा है बिकॉज उनका फर्स्ट ओलंपिया मेन्स ओपन में एंड जैसे कि बी गाम उन पर कहे थे कि डेरिक लैंसपर्ड के पास एक साइज है और उनको साइज और मैंटेन करना पड़ेगा और बढ़ाना पड़ेगा एंड इट्स मोर इम्पोर्टेंट टू कम इन शेप एंड आई बिलीव हनी इज स्मार्ट ही विल ब्रिंग हिम इन गुड कंडीशन मतलब उनको पता है कि डेरिक लेंसपर्ड कितना भी साइज गेन कर ले एक बोड एक स्मार्ट कोच है वो उनको कंडीशन जरूर नेल करवाएंगे एंड उसके बाद उन्होंने कहा कि एंड हिफ ही हैज दैट ही विल बी इन टॉप सिक्स फॉर श्योर मतलब बी ग्रेम का प्रेडिस कन्फर्म हो चुका है वो कहते हैं कि वो तो कन्फर्म टाइटल जीतने वाले एंड डेरिक लेंस पर जो है वो अगर ह्यूज साइज लेके कंडीशन भी दिखाते हैं देन वो टॉप सिक्स में जरूर आएंगे तो दोस्तों ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ हाईलाइटेड सीन्स थे हाईलाइटेड पॉइंट्स थे जो कि मैंने रखे एंड एथलीट्स ने खुल के बताया था इसके बारे में सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब दस बजे के बाद बहुत ज्यादा वीडियो आने वाले सबसे पहले मेरे चैनल पर वो भी हिंदी में जो कुछ अपडेट मिलता है वो फिजिक अपडेट में मैं डाल दूंगा सो थैंक यू सो मच वॉचिंग इट सी यू सून लव यू ऑल एंड वीडियो को लाइक भी कर देना